नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। मैं हूं आपके साथ कल्पना। पेश करते हैं रात 9 बजे तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें राज्य से जुड़ी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेड रोड को सजाने का कार्य शुरू कर दिया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए इस बार स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया जाएगा। इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आइए ले चलते हैं आपको रेड रोड पर, जहां हमारे संवाददाता दीपक रतन मिश्र दिखाएंगे आपको कैसी चल रही है तैयारियां। रविवार को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता पुलिस की ओर से महानगर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर रेड रोड और आसपास के इलाकों में 500 से अधिक CCTV कैमरे से निगरानी की जाएगी। रेड रोड पर होने वाली परेड के दौरान पुलिस की ओर से विशेष निगरानी की जाएगी। इस दौरान महानगर के विभिन्न इलाकों में 2000 से अधिक पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात रहेंगे। विभिन्न मेट्रो स्टेशन व धार्मिक स्थलों के बाहर भी भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू लागू होने के कारण किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। ऐसे में कोलकाता पुलिस की ओर से अभी से ही महानगर के विभिन्न सड़कों पर व महत्वपूर्ण क्रॉसिंगों पर नाका चेकिंग रात के वक्त चलाया जा रहा। कैमरा पर्सन दीपेन के साथ मैं दीपक, खबर एक्सप्रेस कोलकाता। उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद के प्रेसिडेंट पद से महुआ दास को हटाया गया। उनके जगह पर जादवपुर विश्वविद्यालय के सह उपचार्य प्रोफेसर डॉक्टर चिरंजीत भट्टाचार्य को लाया गया है। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता सविता राय की रिपोर्ट। उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद के प्रेसिडेंट पद से महुआ दास को हटाया गया है। उनकी जगह पे जादवपुर विश्वविद्यालय के उप VC जो है, सह VC है चिरंजीत भट्टाचार्य, उनको 4 साल के लिए इस पद पे लाया गया है। बता दें कि आपको अभी हाल में ही HS के रिजल्ट को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। कई स्टूडेंट जो असफल रहे हैं, उन्होंने कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया था। इसके अलावा एक छात्रा को लेकर, उसके धर्मियों को लेकर जिस तरह से महुआ दास ने कहा था, उसके बाद वो विवादों में घिर गई थी। हालांकि इन कारणों से उन्हें हटाया गया है यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। महुआ दास ने खुद कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था। मैं पर्सन अर्पिता चंद्रा के साथ, मैं सविता, कोलकाता। घर का दरवाजा तोड़कर भाजपा नेता सजल घोष को पुलिस ने किया गिरफ्तार, परिस्थिति हुई अशांत। तृणमूल व भाजपा के बीच प्रदर्शन के कारण मुचीपाड़ा थाने के सामने स्थिति काफी अशांत हो गई। बड़ा बाजार थाना अंतर्गत अमरतला लेन स्थित एक प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल के 2 इंजनों ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। महानगर की रफ्तार अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। अब मेट्रो परिसेवा को सामान्य करने के लिए और लोगों की सहूलियत के लिए मेट्रो रेल की समय सीमा को 1 घंटे और बढ़ा दिया गया। इससे जुड़ी पूरी जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता मेघा सुरोलिया से। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कर्फ्यू के समय में बदलाव करते हुए कर्फ्यू का समय 9 से 11 कर दिया है। ऐसे में इसके बाद से शुक्रवार को मेट्रो रेलवे की ओर से भी ये घोषणा कर दी गई है कि रात में अंतिम ट्रेन जो रात में 8 बजे छूटती थी वो अब 9 बजे छूटेगी और रात 10 बजे तक मेट्रो परिसेवाएँ लोगों को मिल सकेगी। यहाँ तक कि जो ऑफिस यात्री जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब उन्हें दक्षिणेश्वर से ये मेट्रो परिसेवा 8:48 पे और दमदम से ये अंतिम मेट्रो परिसेवा रात में 9 बजे मिल सकेगी, यानी कि अंतिम मेट्रो अब रात 10 बजे तक चलेगी। वहीं इस खुशखबरी के बाद यात्रियों ने भी उम्मीद जताई है कि उनके आने जाने के समय में कुछ सहूलियत मिल पाएगी। पहले टाइमिंग नहीं मिल रहा था, गाड़ी नहीं मिलने से बाद में जाने से बहुत दिक्कत होता था। ये जो हम लोगों का मेट्रो का भी टाइमिंग बढ़ा दिया गया है, ये नॉर्मल पीपल लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे बसेस का भी सुविधा बहुत कम हो चुका है, इसके लिए नॉर्मल पीपल लोग के लिए बहुत अच्छा होगा कि टाइमिंग बढ़ चुका है और जो ऑफिस टाइम जो है, ऑफिस टाइम से जो मतलब जो लोग अपने घर जाने लगते हैं उन लोग के लिए और ज्यादा बेहतर हो गई है। कैमरामैन मधु के साथ मैं मेघा, खबर एक्सप्रेस। जिलों से जुड़ी खबरों पर एक नजर। दक्षिणेश्वर नोआपाड़ा मेट्रो लाइन शुक्रवार को धस गई। इस धसान के कारण बेलघड़िया एक्सप्रेसवे के CCR पुल के खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए। आइए देखते हैं हमारी वरिष्ठ संवाददाता निधि गुप्ता की रिपोर्ट। दक्षिणेश्वर नोआपाड़ा मेट्रो स्टेशन के तरफ मैं खड़ी हूँ, जहाँ पर मिट्टी के धसान को लेकर थोड़ा अफरा तफरी का माहौल इलाके के लोगों में हो गया था। कहा जा रहा है कि यहाँ लगभग 200 मीटर जो रास्ता है, जो कि पिलर्स है मेट्रो स्टेशन के, उसके नीचे भी मिट्टी खिसक गई है ज़मीन से, जिसको लेकर थोड़ा अफरा तफरी था। हालांकि स्थानीय लोगों को फिर आश्वस्त किया गया कि यह कोई चिंता की बात नहीं है और मेट्रो प्रबंधन की ओर से यहाँ काम भी शुरू कर दिया गया है। मानुष যায় আসে, যে কোনো মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্টে সব মরে যেতে পারে। এটা কোন সিস্টেম কোনভাবে হচ্ছে বুঝতে পারছি না।
पानीहाटी में युवा भाजपा कर्मी पर चली गोली, कर्मी हुआ गिरफ्तार। अब रुक करते देश विदेश की खबरों की ओर। पेगासस और कृषि कानून समेत कई मुद्दों पर संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। सत्र को अनिश्चित काल तक स्थगित किए जाने से पहले राज्यसभा में कुछ विपक्षी सांसदों पर अनियंत्रित व्यवहार करने का भी आरोप लगा। इस मामले को लेकर सदन के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जल्द ही कार्रवाई को लेकर कोई फैसला कर सकते हैं। मनोरंजन की खबरों पर एक नजर। एयरपोर्ट पर रणवीर सिंह को किया गया स्पॉट, बड़े ही फंकी लुक में दिखे रणवीर। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।